ओए जोगिंदर, मुझे तुझसे एक सलाह लेनी है। सलाह नहीं देता मैं। क्यों नहीं देता? सलाह नहीं देता, वक्त आने पे साथ देता हूँ। अरे दे दे भाई, मेरी कोचिंग के गावड़े सर बहुत भेदभाव करते हैं लड़के और लड़कियों में। कैसे? भाई सर ने हमें 15 क्वेश्चन लिखने को दिए। आयुषी कोचिंग में आने वाली लड़की ने कहा कि मेरी आंसर शीट तो गली के कुत्तों ने फाड़ दी, तो सर ने मान लिया भाई। अच्छा। और मैंने जब बोला कि सर मैंने अपनी आंसर शीट पे गलती से गरम पकोड़े रख के खा लिए, तो सर ने मुझे कोचिंग से निकाल दिया। यार भाई, तू मेरे घर पे ट्यूटर से पढ़ने आता तो है, तो कोचिंग की क्या जरूरत? भाई कोचिंग सेंटर्स में कंपटीशन होता है। 80 स्टूडेंट है अपनी स्कूल की क्लास में, इधर कॉम्पिटिशन में इतनी बुरी तरह से क्यों हार जाता है तू? यहाँ पे स्टूडेंट तेरी तरह है ना, जिनसे जीत कर भी ये लगे कि गधों के सरदार बन गए हैं। अरे चुप कर बे, तू कोचिंग से लौंडियाबाजी के लिए जाता है। और दल्लो क्या कर रहे हो? स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए आए हैं, पढ़ने का मन तो है नहीं। अबे सालो, लाइफ में मेहनत करोगे तभी मीठा फल मिलेगा। तूने इंग्लिश के प्रोजेक्ट में चार्ट बनाया था ना? हाँ। लिखा भी तूने था, डेकोरेशन भी तूने किए थे। हाँ हाँ। आइडिया भी तेरा था, नरेशन भी तूने किया था। अरे हाँ सालो, तुमने कुछ भी नहीं किया था, ग्रुप प्रोजेक्ट के नाम पे सब कुछ मैंने किया था। तब भी ग्रुप प्रोजेक्ट में हम तीनों का नाम तूने लिखा था कि नहीं? लिखा था। फिर तेरी मेहनत का मीठा फल तो हमने भी खाया ना। इसलिए स्मार्ट वर्क करो। लोगों की मेहनत करे हुए मीठे हमारे आसपास लटक रहे हैं, बस उसको तोड़ने के लिए आपने दिमाग होना चाहिए। अरे चुप हो जा सालो। हेलो स्टूडेंट्स। अरे गोटा सर आ गए, आज किसके लगा के आए हैं? अबे गौर से देखो, दोनों साइज सेम है ना। छी यार सालो, छी क्या कर रहा है? सर की शक्ल का मजाक उड़ा रहा है। यू शुड बी अशेम्ड, किसी के चेहरे का मजाक नहीं उड़ाते। सालो तुम अपने टीचर का मजाक उड़ाते हो, उन्होंने कितनी बार बताया कि उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म है गोटा। उनका नाम तो ज्ञानचंद ओझा तेजस आहूजा है। ये नाम को जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? सर के नाम में इतने सर नेम है कि सर खुद ही एक्सप्लेन ना कर पाएंगे। भाई थर्ड पीरियड आते आते भूख लगने लगती है, टिफिन खोलो कोई। हमें टैंकर, सुबह सुबह तू 4 पराठे खा के आता तभी तुझे भूख लग रही है, टिफिन टाइम में खाना चला हट। छोटे दिल के आदमियों से बात मत किया करो शमशेर, ये लो माय फिटनेस का चॉकलेट पीनट बटर, जब तक खा लो। भाई मैंने सुना है हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता ही है। अबे प्रीमियम रोस्टेड पीनट्स और स्मूथ चॉकलेट का अनोखा फ्यूजन है, सबसे हेल्दी स्नैक है, इसमें प्रोटीन भी है, तभी ये है मेरा हेल्थ का टेस्टी पार्टनर। अरे भाई ये तो ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ऑर्डर कर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अबे चुप हो जाओ, सर देख रहे हैं अपन को। तो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स को पढ़ना नहीं है, समझना है। ए मैथ्स, हे मैथमेटिक्स, गणित, ये क्या हुई? तुमको पढ़ने के बाद तो मेरा गोमचा खुल गया। सर समझने की बात तो आप करिए मत, मैंने तो मैथ्स को मुश्किल समझ लिया, अब क्या करेंगे? प्रॉब्लम से दूर भागने से प्रॉब्लम और पास आती है, मैथ्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप पढ़ाना शुरू करते हैं और हर क्वेश्चन में एक्स और वाई घुसेड़ देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई। कभी कभी तो मुझे लगता है जिसने मैथ्स बनाया है उसको भी मैथमेटिक्स नहीं आती होगी, इसलिए उसने कुछ भी अज्यूम करवर के आंसर निकाल दिए हैं। और कैसे भी आंसर निकालने को उसने मेथड बोल दिए, मेथड। अरे मुझसे डाउट पूछो ना, सॉल्व करूंगा। सर एक क्वेश्चन का डाउट था, बता दीजिए। 5 साल पहले ए और बी की उम्र को मिला के उम्र बनी थी 58 साल, और 8 साल पहले बी की उम्र में और ए की उम्र में डिफरेंस था 16 साल का। अब इन दोनों की आज की उम्र कितनी होगी, रेशियो में बताइए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी बी एक्स एंड वाई, फिर इजिली सॉल्व हो जाएगा, बाकी सब क्वेश्चन में दिया है। क्यों? X and Y एज कब से होने लगी? कैलेंडर को फिर ABCD लिख देते हैं। अगर लॉजिकली देखा जाए तो A और B के माँ बाप से पूछ लिया जा सकता है कि उन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। अरे कोई दूसरा डाउट हो तो पूछो ना। सर एक और है, मेरे बाप ने 280 रुपए इस तरीके से बांटे कि हर लड़की को मिले 20 और हर लड़के को मिले 10। अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कम है तो फिर टोटल कितने लड़के हैं? लेट द टोटल बॉयज बी एक्स एंड टोटल गर्ल्स वाई, बाकी सब क्वेश्चन में दिया है इसलिए सॉल्व हो जाएगा। फिर एक्स और वाई, यहाँ पैसों की बातचीत हो रही है तो एक्स और वाई कैसे आएगा? और सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा। सर सॉल्यूशन तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, सारे लड़कों को और सारे लड़कियों को एक एक सेपरेट लाइन में खड़ा कर दो और लड़कों को गिन लो कितने लड़के हो गए क्वेश्चन। देखिए सर कितना इजी है, अब एक्स और वाई अज्यूम करने की क्या जरूरत है? देखो वैसे डरने की बात नहीं है, मैथ्स भी वीक हो ना, एक सब्जेक्ट भी वीक हो, साथ में मेहनत कर लेंगे, सब सही हो जाएगा। सर आप एक और चीज भूल रहे हैं,
सिर्फ मैथ्स अकेला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स दूसरे भेष में भी आया है। मैथ्स ने फिजिक्स नाम का मुखौटा पहना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहा है सर, ये फिजिक्स सिर्फ नाम का फिजिक्स है, असली में वो मैथ्स ही है। अरे इसलिए तो कहता हूँ मैथ्स अच्छे से पढ़ो, हर जगह काम आता है। सर जब इतना मुश्किल है तो कैलकुलेटर की परमिशन दिलवा दीजिए ना सर। सर कैलकुलेटर का आविष्कार ही मैथ्स को सॉल्व करने के लिए हुआ है, इजी बनाने के लिए हुआ है, तो क्यों 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 नहीं सॉल्व करने देते, ये गधा मजदूरी हमसे क्यों करवाते हैं। इतनी लाइफ खराब हो गई है सर, थैंक यू की जगह टैंक यू निकलता है। भाई तू टैंक यू भी क्यों बोलता है, उसको और सिंपलीफाई करना, थैंक यू अपॉन कॉस क्यू बोल। राइट जोगिंदर, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा जा रहा है तुम्हारा। देखो सर लाइफ हमारी इजी कल टू में निकल रही है, हर चीज को सिंपलीफाई कर देते हैं हम। वैसे इतना हेट क्यों करते हो मैथ्स को तुम लोग? सर मुझे मैथ्स से बहुत नफरत है, लेकिन पैसा गिनने में बहुत मजा आता है। सर मैं तो वैसे ही बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मैं एक मैथ्स के क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करता हूँ और तीनों बार अलग अलग आंसर आता है और वो करेक्ट आंसर से कोसों दूर होता है। ओले 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 बेचारे। सर मैं तो JEE की कोचिंग जाता हूँ तो मुझे स्कूल के क्वेश्चंस बच्चे वाले लगते हैं। ये देख रहे हैं सर, आप देख रहे हैं ऐसे सोसाइटी मुझे डिमोटिवेट करती है। एक तो मेरे माँ बाप मुझे JEE की कोचिंग के 2 लाख रुपए नहीं देंगे और दूसरा पहले मेरा स्कूल का कोर्स ही कम्प्लीट नहीं हुआ, मैं JEE का कोर्स कैसे पढ़ूंगा। सर आई एग्री ऑन दिस, लेकिन फीस वाली दिक्कत मेरे साथ नहीं है। मेरे पापा तो JEE की कोचिंग के 20 लाख भी दे दें लेकिन उनको मेरे दिमाग पे भरोसा नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे कोचिंग वगैरह जाने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुमको IIT में जाना है कि नहीं। सर वहाँ पे पैसे दे के सीट मिल जाती है क्या? जोगिंदर तेरे पापा से बोलकर 2 सीट ले लेना, मेरी नौकरी लग जाएगी ना इंजीनियरिंग की बात, तो किस्तों से चुका दूंगा। अबे सालो हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा ये IIT वाले पैसा नहीं लेते, गोल्ड सिल्वर डायमंड क्या लेते हैं वो बता दो, वो दे देंगे। अरे शट अप एवरीवन। ये यार नेक्स्ट पीरियड कौन सा है तुम्हारा? गेम्स है सर, गेम्स। अरे सर नो 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 नो। हाँ सर ले लीजिए, आज आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देना, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देना। क्या पागल है तू, पागल हो गया क्या? नहीं सर। अरे नहीं ले सकता, एक और क्लास है मेरी आज। चलो सी यू ऑल टुमारो। गेम्स पीरियड।